हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, एक आयन है आपके पास जिसका मास नंबर 56 है। अगेन मुझे नहीं पता कौन सा आयन मास नंबर 56 है। 56 का मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज 56 एंड 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस 3 चार्ज है। अगर ये न्यूट्रल होता, मान लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर पी है, तो प्रोटॉन्स तो पी हैं इसके अंदर, एंड अगर ये न्यूट्रल होता तो प्रोटॉन्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है। एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें? जितने प्रोटॉन्स हैं उसमें से 3 कम, क्यों? क्योंकि कटायन है, कटायन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस 3 चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए होंगे। क्लियर? तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोटॉन्स हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन प्लस 3। एंड आपको एक स्टेटमेंट और दिए, यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। तो जो न्यूट्रॉन्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स प्लस 30.4% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब है ये है 1.304 टाइम्स इलेक्ट्रॉन। तो हम ये दोनों वैल्यूज ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो प्रोटॉन्स हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 एंड न्यूट्रॉन्स हैं 1.304 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, दिस इज 56। तो ऑन सॉल्विंग यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 53 डिवाइडेड बाई 2.304, सो दिस विल बी 23। तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए अपने पास कितने? 23। एंड इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही 23 आए, अपने पास मास नंबर ऑलरेडी गिवन है, तो सिंबल बन जाएगा 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स आ जाएंगे हमारे पास 26, तो 26 एटॉमिक नंबर है, एंड 26 एटॉमिक नंबर किसका होता है? बिल्कुल आयरन का। तो ये एक आयरन है जिसका मास नंबर 56 है एंड एटॉमिक नंबर इज 26। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।